ये देख लो भाई कैंप साइट, ये नॉर्मल इनके टेंट्स हैं। रात में इतने कितने बढ़िया लग रहे हैं नॉन एसी वाले जो हैं। और 11:15 बज चुके हैं लेकिन सोने का मन अभी अपन का नहीं कर रहा है, तो अपन अभी फिर से जा रहा है स्विमिंग पूल विच, क्योंकि मस्ती काटनी है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई फुल ऑन एंजॉय करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, तो मस्ती पहले बाकी सारे काम बाद में। तो चलते हैं स्विमिंग पूल में, फिर से मस्ती करते हैं स्टार्ट, एंड वीडियो में बने रहना। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। रात के बज रहे एक, अभी स्विमिंग पूल से निकल के आए हैं, हिना तो नहा ली है, मैंने सिर्फ चेंज किया है और मैंने इसे भी चेंज करने जा रहा है। यकीन नहीं हो तो आपको दिखा देता हूँ टाइम, ये देखो। तो अपने सोने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह इसी वीडियो में, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। एक दिन की पिकनिक हम मनाने यहाँ पे आए थे, वो हमारी हो चुकी है सक्सेसफुल, पार्टी बहुत बढ़िया रही, मज़ा आया फुल टू। तो कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। यार कल नोटिस नहीं करी थी ये चीज़, आज देख लो तिरंगा लगा हुआ है भाई के कैंप पे अपना, ये चीज़ स्पेशल है और मेरे को खास एकदम लगाव है ऐसी चीज़ों से। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज हमारी कैंप साइट का तीसरा दिन है और आज से हमारी एक और वीडियो शुरू होती है। मौसम आप देख रहे हो कि पीछे कितना अच्छा हो रहा है, आप सबका मन ललचा रहा होगा कि मैं ऐसी कैसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ इतना सुहावना मौसम है, इतना अच्छा नज़ारा हो रहा है, चारों तरफ देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं आधा घंटा पहले। आज हमको घर निकलना है और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगा घर तक, और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाता चलूँगा एक एक करके, घर कैसे जा रहे हैं, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे अपनी मस्ती मौज काटते हुए घर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ऑलरेडी भैया की प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और भैया से कॉन्टैक्ट करना, भैया बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरा नाम लोगे तो भैया आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर देंगे या कुछ स्पेशल आपको ज़रूर करा देंगे, इतना उन्होंने मुझसे बोल दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एंड प्रॉपर्टी की सारी जानकारी देख लें एक बार। एंड तो अब अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद घर के लिए निकलेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यार एक बार ज़रा मेरी कैंप साइट का 360 डिग्री व्यू देख लो आप, सामने सबसे पहले पहाड़, ऐसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर उसके बाद छठा भी है एक पीछे, ऐसे करके ये पहाड़ों की लेयर्स बनी हुई है और बादल आ रखे हैं नीचे, पहाड़ों के नीचे एकदम बादल आ रखे हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और इधर आ जाइए ये देखो, अरे वाह, जन्नत के बीच में हैं हम यार, जन्नत के बीच में। इधर देखो पहाड़ पर बादल जो है ना बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं, बिल्कुल एकदम पेड़ों के अंदर से होकर बादल जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ जो है ना चोटी के नीचे हैं बादल जो हैं। इधर देख लो आप चाहें तो, इधर भी है यहाँ पे देख लो क्या नज़ारे हो रहे हैं भाई। तो ये हमारी कैंप साइट का पूरा 360 व्यू था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। उधर भी सारी कैंप साइट है लेकिन मेरे को लगता नहीं इतना मज़ा उनमें किसी कैंप साइट में आता जितना हमको यहाँ इस वाली कैंप साइट में मज़ा आया है। और भैया का देखो पूल खाली हो गया था सुबह, सबसे बड़ी बात ये है इस प्रॉपर्टी की, पूल खाली हो गया था सुबह, भैया का समर सेविल चल रहा है, कोई नदी से पानी नहीं लेते हैं, सीधा समर पर सेविल यहाँ पे है इनका कनेक्शन और सीधा एकदम ज़मीन से पानी आ रहा है। और यहाँ पे देखो
पूरा फ्रेश वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर, नीचे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं ना टाइल्स के वो भी साफ दिख रहे हैं एकदम। सबसे खास बात इस प्रॉपर्टी की मेरे को यही लगी है, और बाकी आपने मेरी पिछली वीडियो में वीडियोस देख ली होंगी जो मैंने स्विमिंग पूल के अंदर पानी में जाके बनाई हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आपको कैसे लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो ये प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे डेली पानी चेंज होता है, वेदर इट्स संडे एंड वेदर इट्स मंडे। आज मंडे है, आज भी पानी भैया चेंज कर रहे हैं और बिल्कुल साफ हो जाएगा ये थोड़ी देर में, सारा पानी एकदम भर जाएगा, ऊपर तक भर देते हैं, यहाँ तक भर देते हैं, पूरी किनारे तक भैया पूरा। तो ये चीज़ इसकी खास है, मतलब ध्यान रखते हैं अच्छे से पूरे गेस्ट का। और अभी हम जा रहे थे, सारा सब कुछ रेडी है हमारा निकलने के लिए, और भैया ने हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर करी है। बोलते हैं कि भैया ये तो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है भैया, तो उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी एंड टी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो एकदम सेट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है ये हमारी तरफ से वो है, एंड कुछ बिस्किट्स एंड नमकीन भी उन्होंने अरेंज करे हैं। और बाकी ये वाली हमारी कैंप साइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंप है ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से, 6 18 बंदों की कैपेसिटी है। वैसे हम तो एक ही कैंप में 5 लोग रुके हुए हैं, तो अगर ऐसे आप भी एडजस्ट कर सकते हैं तो एक ही कैंप में रुक सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब वैसे है कि ठीक है अलग अलग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी ये वाले जो कॉटेज है वो सारे एसी हैं, और ये वाले जो कॉटेज है वो सारे नॉन एसी हैं। तो ये भी क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंप्स ये भी हैं, 1 मिनट, हाँ 9 कैंप्स ये भी हैं, और ये भी ट्रिपल शेयरिंग में है सारे। तो 9 1 9 9 2 18 एंड 9 3 27 27 और 18, आप काउंट कर लीजिए। 45 की गैदरिंग भैया ने बताई थी, 45 की गैदरिंग उनके पास प्रॉपर है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा हो जाते हैं अपनी ही गाड़ी, सॉरी गाड़ी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि गाड़ी दिखाई दे रही है ना मेरे को सामने हमारी वो गाड़ी, तो अगर आप अपने कैंप में एडजस्ट हो सकते हैं 3 से 4 बंदे या 5 बंदे हो सकते हैं तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब टोटल कैपेसिटी 50 के आसपास, 45 के आसपास आराम से पहुँच जाएगी। तो बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है अभी यहाँ पे, जो गार्डन वार्डन में रात को तहलका मचाया था कुछ लोगों ने, उसकी साफ़ सफाई होनी बाकी है, क्योंकि रात को फिर यार 1-2 बजे तक लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से, सब एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद में फिर भैया भी सो गए कि ठीक है जब जाएंगे तो उसके बाद हम कल सुबह सफाई कर लेंगे। बाकी इन नज़ारों से तो मुझे प्यार हो गया है भाई। चलिए ठीक है, अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं ऐसे फटाक से। एक दोस्त है यार, हेलो हेलो बड़ी, हेलो इधर देख, एक बड़ी बोरा वहां पे। तो भाई टास्क आ चुका है सामने, जीने से होकर ऊपर रोड तक जाना थोड़ा सा कठिन है, और हमारे साथ में ट्रैकर्स है, प्रोफेशनल ट्रैकर्स, ये ट्रैक करने वाले हैं इस रोड को। और मनीष भाई तो गिर पड़ गए। तो चलो चलते हैं अब, ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे प्लेन है, कहीं कहीं पे सीढ़ियां हैं, लेकिन भाई बहुत मेहनत लगती है ऊपर की तरफ चढ़ने में पहाड़ पे। चलिए चलते हैं, चढ़ते हैं इसको भी। सांस चढ़ गई भाई सबकी। ओ ओ क्रेन जा रही है पीछे से, भागी भागी। ये हमारी प्रोफेशनल ट्रैकर, कहीं लुढ़क ना जाए इसलिए इसको कवर करते हुए चलना पड़ रहा है मुझे। कम ऑन, ऐसे दिखाओ, देखियो कैसे दिखा रहे हैं। कम ऑन साक्षी, यू कैन डू इट। ये वाओ, क्लैपिंग करो गाइस। साक्षी फाइनली डिड इट। एक नंबर। साक्षी को मैंने बोल रखा है, सिखा के लाया हूँ घर से, एक नंबर बोलना है, बस एक नंबर बोलना है।
तो भाई ये देखो जबरदस्त वाटर क्रॉसिंग, इस बार तो कुछ ज्यादा ही है। हर हर महादेव, हर हर शंभुनाथ। तो हम आए थे यार पीछे वाले रास्ते से, रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, दिखा तो आपको दिया ही था, पूरा एंजॉय किया है। और ये रास्ता सीधा यहाँ हरिद्वार आके निकलता है और फिर से वही देखो शंभुनाथ के दर्शन आपको हो जाते हैं यहाँ से, गंगे माँ साथ में बहती हुई यहाँ पे। और अब आ चुके हैं हम लोग हाईवे पे और अब हमारी हाईवे वाली जर्नी कंटिन्यू होती है। तो बोलो हुर्रे। तो गाइस हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा था तो इसलिए अभी 9:30 बज रहे हैं और भूख लग रही है बहुत तेज, तो हम सब ने अपना खाना मंगा लिया प्रॉपर। वैसे तो 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करने का टाइम था लेकिन हमने खाना ही मंगा लिया, भूख इतनी तेज लग रही थी। लेकिन हिना सिर्फ मैगी खा ली है, बाकी हम सब लोग प्रॉपर खाना खा रहे हैं। साक्षी और हिताक्षी दोनों पराठे खा रहे हैं और मैं और मनीष खाना खा रहे हैं, हिना खा ली है मैगी। तो मैं आपको अपना खाना दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया सही है दोनों। तो ये है दाल तड़का, ये है बैंगन भरता, ये रायता इधर, रोटी, ये है गोभी मिक्स। कैसा है खाने में? खाने में अच्छा। तुम्हारी मैगी कैसी है? आई नहीं है। आएगी तो बताओ। तो भाई अपन लोग ने खाना वाना खा लिया, निकल चुके हैं जर्नी पे, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और मस्ती, खाना कैसा था गाइस? मनीष तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया था ना, खाना बहुत बढ़िया था। और ऑब्वियसली बहुत सारी मस्ती करते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं, कोई म्यूजिक व्यूजिक बच ही नहीं रहा है गाड़ी में। और बस थोड़ी बहुत देर में हमारी ट्रिप जो है वो एंड हो जाएगी और फिर हम सबको बाय बोलेंगे एंड हैप्पी बर्थडे टू हिना, क्योंकि उसका एडवांस में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल उसका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे हिना। तो फिर इसी के साथ हम अपनी अपनी ट्रिप को एंड करेंगे, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं जब हम सबको बाय बाय बोलेंगे। सो गाइस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और अब सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। तो पीछे कैमरा करके बता दो आप सबको कि गाइस कैसा लगा तुमको मेरे साथ ट्रिप पे भाई? मजा आ गया, एक नंबर। एक नंबर, एक नंबर। लोकेशन कैसी थी, कैसे मस्ती करी? मर्दा उड़ा दिए, चिट्ठे फाड़ दिए। और बताओ कुछ एक्सपीरियंस अपना। अरे भाई साहब बस बस पूछो मत, पानी में डूबने से बचे, उड़वाई अपनी। हाँ मेरा मतलब लग गई थी थोड़ा स्विमिंग पूल में। होता रहता है, नहीं नहीं एक्सपीरियंस मिले, एडवेंचर करे, तैरना सीखा, ट्रैक भी करा है थोड़ा। हाँ ट्रैक भी करा है, ट्रैक करा, बंदों को संभाला, और क्या करूं। चलो जी पहुंच गए, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।